हे दोस्तों, मैं रजीत है और आप देख रहे हैं पीजीपी है। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेस्ट एलईडी स्मार्ट टीवी अंडर 20,000 रुपीस, यानी कि 20,000 के अंदर आपको जो बेस्ट स्मार्ट टीवी देखने को मिल सकता है, यानी कि बेस्ट जिसमें आपको डिस्प्ले क्वालिटी भी एकदम बढ़िया मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो टीवी का नाम है वो है केविन, जो कि आपको 32 इंच, 40 इंच और 40 इंच में अवेलेबल है, जो कि ब्लैक वेरिएंट में आपको अवेलेबल है। और मैं तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन नीचे आपको वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो टीवी जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है वो दिल्ली में मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि यानी कि मेड इन इंडिया है, इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर विद अदर टीवी। और जो टीवी है आपको इसके साथ 1 ईयर की वारंटी आपको मिलती है, तो आपको इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि इसके ये टीवी आपको लेने का तो कोई वारंटी नहीं है, इसको आपको एक 1 ईयर की वारंटी आपको इस टीवी के साथ मिल रही है। तो दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं कि टीवी की ओवरव्यू के बारे में, यानी कि जो इसके स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो दोस्तों, जो टीवी का रेजोल्यूशन है वो है 1366x768, यानी कि आपको जो डिस्प्ले होगा वो 720p HD डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है। इसके अंदर आपको 1080p नहीं देखने को मिल सकता, क्योंकि 720p है, तो 720p HD आपको देखने को मिल सकता है। आपको इस टीवी के अंदर 2 HDMI, 2 USB और 1 VGA पोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। इस टीवी के अंदर आपको बिल्ट इन वाईफाई देखने को मिल सकता है, आप इजीली आपका जो वाईफाई आप इसके टीवी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। और जो टीवी के अंदर आपको जो रैम है वो 1 GB रैम है, और जो रोम है वो 8 GB रोम आपको देखने को मिल सकता है। जो रिफ्रेश रेट है वो है 60Hz का है, यानी कि जो स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट था वही 60Hz का देखने को मिल सकता है। और इसके मिल सकते हैं जो डिस्प्ले है वो है LED डिस्प्ले, आपको इसके अंदर IPS डिस्प्ले देखने को नहीं मिल सकता, तो इसके अंदर थोड़े व्यूविंग एंगल्स आपको थोड़े ख़राब दिखेंगे, लेकिन जो डिस्प्ले क्वालिटी वो आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आ जाते हैं फीचर्स के ऊपर। तो दोस्तों, फीचर्स आपको इसके अंदर क्या क्या नया फीचर्स आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल सारे जो लेटेस्ट ऐप्स है, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब, आपको सब प्री इंस्टॉल इस टीवी के अंदर देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, अगर आपको आपका स्मार्टफोन इस टीवी के साथ कनेक्ट करना है, तो आप इसका एमकास्ट यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई के साथ भी आपके फ़ोन को इस टीवी के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको रात में कैसा टीवी दिखेगा, और जो स्पोर्ट्स देख रहे हो तो आपको व्यूविंग एंगल्स कैसे हो गए, और आपको वाइड व्यूविंग एंगल्स कैसे हो गए, वो आपको इसमें थोड़े सैंपल्स दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस टीवी को आपको इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि आपको इस प्राइस में ऐसा फीचर्स वाला टीवी आपको ईजिली अवेलेबल। मैं इसको टीवी को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इसको जल्दी बाय कीजिए, क्योंकि अगर इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो आपको इस टीवी को बाय करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस टीवी को जल्दी बाय कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही तक था आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं से रोज़ कंटेंट बेस्ड वीडियो लेकर आता रहूँगा। माय नेम इज रजित, आई एम साइनिंग आउट।